Welcome, my dear students. Let me introduce myself, Dr. Ajin Ray, coordinator of Travel and Tourism Skill Enhancement course for fifth semester students. Travel and tourism is really a very interesting course. हम सभी घूमना पसंद करते हैं, हम सभी ट्रैवल करते हैं, पर इसके साथ साथ ट्रैवल क्या है, टूरिज्म क्या है, इसको पहचानना जरूरी है। और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और वी कैन नॉट एंजॉय आवरसेल्व्स। ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसमें आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के एवेन्यूज जो हैं बहुत हैं। कॉलेज के तरफ से मुझे मौका मिला है कि हम आपको इस फील्ड के बारे में बताएं और आपको अवेयर करें कि दिस इज आल्सो अ ब्रांच वेयर यू कैन स्ट्राइव विथ एक्सेलेंस। ये मेरा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है on understanding ourselves and tourism, chasing nature's miracle. ये जो लेक्चर है इसको हमने विभिन्न खंडों में बांटा है, which includes preamble, incredible India, terms about tourism, why people travel, career options, understanding ourselves, why communication, listening and speaking skills about tourism and tourists. Industry, characteristics of tourism, trend factors, and finally the conclusion, which includes seven mantras of tourism. तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने प्रयास किया है कि पूरे कोर्स के बारे में आपको बता दूं और ये कोर्स के पीछे हमारा मकसद क्या है, कॉलेज का मकसद क्या है, कि आपको हम ऐसे प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा किया दें जिससे आप यू कैन सिलेक्ट अ करियर इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। टू बिगिन विद प्रीएम्बल, मार्क ट्विन महोदय ने यह कहा था कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशंस। तो इस तरीके से आप देखिए तो इंडिया अतुल्य जरूर है, अवश्य है, और इसीलिए भारत को हम अतुल्य भारत कहते हैं, क्योंकि इट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बर्थ प्लेस ऑफ फोर रिलीजन्स, लैंड ऑफ ग्रेट कंट्रास्ट्स, preserved customs and traditions and ideas from both immigrants and invaders. Thus, India is great in spirit and stature. अतुल्य भारत इसलिए कहा गया क्योंकि यह विश्व का प्राचीनतम सभ्यता का केंद्र है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी विश्व का भारत में ही है। भारत ने चार जन धर्मों को जन्म दिया है। भारत में बड़े बड़े महापुरुषों का बर्थ प्लेस भी माना गया है। भारत ने हमारे जितने भी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, विचार, सबको भारत ने प्रिजर्व करके रखा है, तो इसलिए भारत हर दृष्टि से महान है। इन स्पिरिट एंड स्टेचर, इन एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमी, इन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इन नेचर्स ब्यूटी एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, हर दृष्टि से आप देखें तो भारत जो है वो सचमुच एक महान देश है, और इसके बारे में जानना आवश्यक है, जिसके लिए हमें ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में जाने, लोगों को अवगत कराएं, पूरे विश्व को बताएं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने में आपको कोई नई चीज देखने को मिलती है। कुछ शब्द हैं जो टूरिज्म
के कोर्स में बहुत जरूरी हैं, जैसे ट्रैवलर, यात्री, एनी फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ अ पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ट्रैवलिंग विदाउट कंसिडरेशन ऑफ हिज मोटिव। यात्री कोई भी प्रकार का जो हम यातायात करते हैं वह इसके अंतर्गत आता है। दूरी अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यात्रा जो करते हैं यात्री, कुछ मोटिव लेके भी करते हैं, कुछ विदाउट मोटिव लेके करते हैं, जस्ट एंजॉयमेंट के पर्पज से करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम यात्री या ट्रैवलर की संज्ञा देते हैं। विजिटर्स कम्स राउंड अगेन टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन। विजिटर्स जो हैं वो बार बार जिस जगह में गए थे वो बार बार विजिट करने आते हैं, कुछ नई जानकारी के लिए, या उनको अच्छा लगता है, या वहाँ के कल्चर या कुछ नॉलेज गेन करने के लिए वो बार बार आते हैं। अब आता है टूरिस्ट, पर्यटक, मोटिवेटेड टू ट्रैवल आउटसाइड। पर्यटक हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं कि मुझे यात्रा करनी है बाहर। रीजन रिक्रिएशन, रीजन प्लेजर, रीजन हेल्थ, रीजन स्टडी, बिजनेस एंड सो ऑन। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, आमोद प्रमोद के लिए, सेहत के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ भी हो सकता है। स्टे एट लीस्ट 24 आवर्स एट अ प्लेस। यात्री यानी पर्यटक तभी कहेंगे जब वो किसी स्थान में कम से कम 24 घंटा रहें। नेक्स्ट हमारे सामने शब्द आता है एक्सकर्शनिस्ट्स का। एक्सकर्शनिस्ट्स वो होते हैं जो स्टे करते हैं एट अ प्लेस एज लेस देन 24 आवर्स। जब हम 24 घंटा के अंदर किसी स्थान में जाके वापस चले आते हैं तब क्या होता है, एक्सकर्शनिस्ट बोलते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कॉलेज की तरफ से बसेस में एक्सकर्शन जा रहा है, तो एक्सकर्शन का सही मीनिंग क्या है कि दिन भर में लौट के वापस आ जाना। नेक्स्ट हमारे सामने टर्म्स आता है इंटरनेशनल टूरिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वे होते हैं जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, पर्पस उनका विजिट का कुछ होता है। मस्ट स्टे एट लीस्ट 24 आवर्स एट अ प्लेस। दूसरा एक शब्द है दैट इज डोमेस्टिक टूरिस्ट, घरेलू पर्यटक। ट्रेवल्स विद इन अ कंट्री, स्टेज एट होटल्स, पर्पस ऑफ विजिट, मस्ट स्टे एट लीस्ट 24 आवर्स एट अ प्लेस। घरेलू पर्यटक जो होते हैं वो अपने देश के अंदर ही यात्रा करते हैं, होटलों में रहते हैं, उनका भी कोई उद्देश्य होता है विजिट का, और किसी भी स्थान में वो कम से कम 24 घंटा जरूर रहें। नेक्स्ट टर्म हमारे सामने आता है पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफाइज द आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी ऑफ द होल्डर, एलिमेंट्री आइडेंटिटी एंड इंफॉर्मेशन, वैलिड फॉर 10 years, 5 years एंड सो ऑन। ये सरकार द्वारा इश्यूड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी आइडेंटिटी, हमारी राष्ट्रीयता जो है वो, हमारी दूसरे शब्दों में पहचान जो है उससे पता चलती है, और बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे बारे में दिया रहता है। इसकी जो वैधता होती है वो 10 साल होती है, 5 साल होती है। नेक्स्ट होता है हमारे सामने है पासपोर्ट के साथ एक शब्द आता है दैट इज वीजा, ऑफिशियल परमिशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं उनको किसी दूसरे देश में जाने के लिए एक ऑफिशियल परमिशन की जरूरत होती है, और वो परमिशन जो है उस देश के हाई कमीशन से ही मिलता है कि वह किस पर्पस से ट्रैवल करना चाह रहा है अमुक देश में, और वो कितने दिन तक वहां रहेगा, उसका उद्देश्य क्या है एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से देखिए, वीजा इज एन ऑफिशियल परमिशन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, परमिशन गिवन बाय हाई कमीशन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री
one wants to travel or stay. Depends upon the purpose of visit. Any tourist cannot stay beyond that granted limit. हाई कमीशन से उनको एक अवधि दी जाती है कि आप 10 दिन रह सकते हैं, आप 15 दिन रह सकते हैं, आप एक महीना रह सकते हैं. अगर इससे ज्यादा वो रहते हैं तो उनको दंड देना पड़ता है या उनको बताना पड़ता है कि आप क्यों अपना स्टे को एक्सटेंड करना चाहते हैं. और वैलिड रीजन अगर होता तो एक्सटेंड भी किया जाता, तो इसे हम वीजा बोलते हैं. अब हम थोड़ा सा टूरिज्म की बात करते हैं. जैसे आप देखिए, फ्लावर्स आर द स्वीटेस्ट थिंग ऑन द अर्थ. द अर्थ लाव्स इन फ्लावर्स. दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ फ्रेशनेस ऑन अर्थ. सो इज विद कल्चर. संस्कृति को हम फूल के तरह या फूल के साथ तुलना करते हैं. पृथ्वी में कहीं भी कोई भी प्रकार की फूल जो है वो स्वीटेस्ट थिंग है. पृथ्वी जो है फूलों के माध्यम से हंसती है और एक ताजगी का मैसेज स्प्रेड करती है. तो इसी प्रकार से हमारी संस्कृति भी है. टूरिज्म इज अ मींस टू अप्रिशिएट इट. टूरिज्म के माध्यम से हम इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं. टूरिज्म इज अ मींस टू ट्रांसफॉर्म रीजन्स इकोनॉमी. टूरिज्म के माध्यम से किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हम बदलाव ला सकते हैं. टूरिज्म इज अ कैटलिस्ट ऑफ सोशल चेंज. सामाजिक परिवर्तन का यह एक कैटलिस्ट एजेंट है. टूरिज्म इज अ मींस ऑफ इंप्रूविंग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर. टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें परिवर्तन आता है, उनमें सुधार आता है. कॉम्प्लीमेंट टू कमर्शियल डेवलपमेंट. टूरिज्म जो है वो व्यापारिक विकास का विकल्प है. टूरिज्म के माध्यम से क्षेत्र का विकास होता है. टूरिज्म के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है. टूरिज्म के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है. और इन टोटैलिटी यू कैन सी द कमर्शियल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हिच रियली क्रिएट्स मिरेकल्स. अब एक प्रश्न है कि व्हाई पीपल ट्रैवल. हम लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? टू एक्सपीरियंस न्यू एंड डिफरेंट सराउंडिंग्स, टू एक्सपीरियंस अदर कल्चर्स, टू अप्रिशिएट आर्ट, क्विजींस, handicraft, architecture, to rest and relax, to visit friends and families, and to view or participate in sports, recreational activities, and so on. हमारे travel के बहुत सारे मकसद होते हैं और इसी वजह से हम travel करते हैं. पहला क्या है? नए जगहों के बारे में, नए surroundings के बारे में, नए पर्यावरणीय दशाओं के बारे में जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नए संस्कृति को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं, अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं. साथ ही संस्कृति के साथ साथ जो भी उस क्षेत्र की कला है, खान पान है, हस्तकला है, शिल्प कला है, इन सब चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं. और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के इस टेक्नोक्रेट जमाने में रेस्ट एंड रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है. तनावपूर्ण पर्यावरण में, तनावपूर्ण जो हमारी वर्क कल्चर है, इसमें रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए वी वॉन्ट टू ट्रैवल, टू विजिट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने परिवारजनों से मिलने के लिए. कुछ ऐसे भी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए स्पोर्ट्स में, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में, आमोद प्रमोद से संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं. इन अदर वर्ड्स आप देखें, everybody wants to change, everybody wants something new in life,
Everybody wants to relax. Everybody wants to appreciate, enjoy different facets of life. अगर अपने लाइफ को या लाइफ में खुशियां लानी है तो यू मस्ट ट्रैवल, यू मस्ट एंजॉय ट्रैवल, यू मस्ट अप्रिशिएट ट्रैवल. एवरीवन हैज अ डिफरेंट रीजन टू ट्रैवल. किसी के पास बहुत सारे रीजंस होती हैं तो किसी के पास बहुत कम रीजंस है, पर रीजन जरूर रहता है कि हम क्यों ट्रैवल करें, हम किस लिए ट्रैवल करें. Whatever reason you choose, taking a trip to a new city or a country and experiencing the culture is so worth it. Reason kuch bhi ho, jaye naye shahar mein jane ka ya kisi desh mein jane ka aur wahan ke culture ko experience karna waqai bahut acha lagta hai. It opens our eyes to the rest of the creation, both natural and man-made, and helps us to realize that our world is a much bigger place than we would have imagined. यात्रा करने से हमारी आंखें खुलती हैं, creations के बारे में जानकारी मिलती है. creations प्राकृतिक भी हैं, creations मानव निर्मित भी हैं. दोनों के बारे में जानकारी मिलती है, एहसास होता है कि हाँ विश्व है, वर्ल्ड है, और वाकई विश्व बहुत बड़ा है, हमारा जीवन बहुत छोटा है, सारी चीजों को इतने कम समय में कैसे देखें, कैसे एंजॉय करें, ये अनइमेजिनेबल होता है. इट इज लाइक एन आई ओपनर. ट्रैवल लीव्स यू अ लॉट ऑफ मेमोरीज and experiences of a lifetime. You never come back from a trip feeling quite the same as before you left. यात्रा करने से बहुत सारी आपके दिल में memories और experiences, lifetime experiences आपके मन में हमेशा रहते हैं, आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं, और आप लोगों से जब share करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है. यू फील रियली अपलिफ्टेड एंड पीपल ऑल्सो एंजॉय लिसनिंग कि आपके मेमोरीज, आपने क्या किया, घूमने गए, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किया एंड सो ऑन. आप कभी भी ट्रिप करके वापस आते हैं तब आपको हमेशा अच्छा लगता है. जाने के पहले के बारे में सोचिए, लौट के आने के बारे में आप सोचिए, दोनों में आपको अंतर दिखता है. You really feel uplifted. You really feel, yes, life can be enjoyed. You really feel कि नहीं, मुझे जीना चाहिए, मुझे और घूमना चाहिए, मुझे और जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए. इंटरेस्ट, अगर आपका प्राकृतिक रुझान है तो आप प्रकृति में यात्रा करना चाहते हैं. अगर आपका रुझान है कि मैन मेड आर्किटेक्चर्स को अप्रिशिएट करें तो आप वो उस तरफ जाना पसंद करते हैं. पर कभी कभी आपको दोनों अच्छा लगता है तो दोनों मेमोरीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आप यात्रा करते हैं. सो प्लान योर ट्रिप, पैक योर बैग्स एंड गेट रेडी टू एक्सप्लोर. तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रिप जरूर करिए, अपने बैगों को तुरंत तैयार करिए और घूमने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ. केवल घूमना मकसद नहीं है, घूमने के साथ साथ आपको कैरियर ऑप्शंस के बारे में भी जानना है. स्किल एनहांसमेंट कोर्स का मतलब क्या है, आपके स्किल को बढ़ाएं, आपके कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी दें, जैसे आप स्किलफुली अपने को प्रेजेंट करें एंड पीपल वुड लाइक यू, पीपल वुड अप्रिशिएट यू, योर स्किल्स, योर सॉफ्ट स्किल अपीयरेंसेस, योर टर्न आउट, योर बियरिंग्स एंड सो ऑन. कैरियर ऑप्शंस में डिपेंड्स करता है कि आपकी लाइकिंग क्या है. गवर्नमेंट सेक्टर में करने की नौकरी मन है, या गैर सरकारी संस्थाओं में काम करने का मन है, या प्राइवेट सेक्टर में, ये आपके लाइकिंग के बारे में, लाइकिंग जो है उस पर डिपेंड करता है. तो इन तीनों के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाने चाहिए. ट्रैवल गाइड्स में आप
अपना कैरियर बना सकते हैं, ट्रैवल एजेंट्स बन सकते हैं, ट्रैवल एजेंसीज खोल सकते हैं, इवेंट मैनेजर्स कर सकते हैं। आजकल इवेंट मैनेजमेंट का भी खूब चला है, तो उसमें भी आप अपने को एक्सपर्ट बना सकते हैं, लीगल एडवाइजर्स बन सकते हैं। म्यूजियम में जो लोग आते हैं देखने के लिए, तो ओरेटर्स वहां नियुक्त किए जाते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं, होटल्स में भी रह सकते हैं, एम्बेसीज में भी खूब अच्छी तरीके से आप नौकरी कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों को पढ़ने में कम मन लगता है, तो इन चीजों को आप एक ग्लैमरस तरीके से कर सकते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री एक ग्लैमरस इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है। डॉक्यूमेंट्रीज बनाना इतना सरल नहीं है, उसके लिए आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स में जो एनिमेशंस वगैरह होती है, इसकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ट्रैवल गाइड्स अगर आपको बनना है, तो ट्रैवल गाइड्स के कोर्सेज होते हैं, उसको करिए। इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़िए, समझिए। कला, संस्कृति, खान पान विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग हैं। अगर आपको गाइड बनना है, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ट्रैवल एजेंट्स बन सकते हैं, ट्रैवल एजेंसीज खोल सकते हैं। एजेंट बनना बड़ी बात नहीं है, एजेंसी खोलना बड़ी बात नहीं है, हजारों एजेंसीज खुली हुई हैं। पर आपकी एजेंसी में ऐसी क्या बात है कि लोग आप ही के एजेंसी में आए? आप ऐसे कैसे ट्रैवल एजेंट हैं लोग आप ही के पास सलाह लेने आए? केवल टिकट करा देना, चाहे एरोप्लेन्स में चाहे ट्रेन्स में, एजेंट का काम लोगों ने दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया है कि एक एजेंसी खोल लीजिए, एजेंट का काम है टिकट, आपने ऑर्डर दिया, आपने टिकट बना दिया, दैट इज ऑल। ये नहीं है। एजेंट्स का काम क्या है कि इसके साथ साथ आप उनको तरीके से बताइए कि आप अगर यहाँ पर्पस से ट्रेनिंग जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, इसके साथ आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा और अपने टाइम अगर देते हैं, तो आपको इन इन चीजों से फायदा है। इन इन चीजों में ट्रैवल करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो इसमें आपको मजा आएगा। तो एजेंट्स को भी एक ग्लैमर पर्सन बन के काम करना है। इवेंट मैनेजर्स, आप जानते हैं बहुत सारे इवेंट्स होती हैं, केवल शादी ही इवेंट नहीं है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसको मैनेज करना, उसमें नए नए तरीके से इवेंट्स को वो करना। अब जैसे इलाहाबाद है, टूरिज्म इलाहाबाद को फ्लरिश करना है, आप क्या करेंगे? जाड़े में आप गुआवा फेस्टिवल कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे सीजन के साथ चीजों को लिंक करते हुए फेस्टिवल्स कर सकते हैं, पूरे शहर के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, जिससे एक नयापन आपके सामने आएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लीगल एडवाइजर्स वे बन सकते हैं जो एलएलबी कर रहे हैं या लीगल सेल से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनकी भी आवश्यकता इस लाइन में पड़ती है, लोगों को लीगल जानकारी देने के लिए, क्योंकि लॉस बने हुए हैं और लॉस का सही तरीके से उपयोग अज्ञानता के वजह से नहीं हो रहा है। तो हर फील्ड के व्यक्ति जो है कैरियर ऑप्शन इसमें ढूंढ सकते हैं। म्यूजियम ऑपरेटर्स बन सकते हैं, होटल्स में आप काम कर सकते हैं, एम्बेसीज में काम कर सकते हैं। एम्बेसीज के लिए आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टर्नआउट अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल में एक नयापन होना चाहिए, तो एम्बेसीज की नौकरी बड़े आसानी से मिल जाती है और इसमें कंपटीशन भी नहीं है। म्यूजियम ओरेटर्स वे व्यक्ति अच्छे होंगे जिनका हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट है, वो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे इसको ऑप्शन में, कैरियर ऑप्शंस में ले सकते हैं, कर सकते हैं, पर उनको अपने को उस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर इट वन नीड्स टू बी, इसके लिए आपकी जरूरत क्या? प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना पड़ेगा, हैव अ रेलिवेंट डिग्री और डिप्लोमा, प्रॉपर एटीट्यूड, स्किल इन ट्रांसलेटिंग आइडियाज इनटू रियलिटीज, पॉजिटिव पर्सन विद पॉजिटिव एटीट्यूड। हर जगह क्वालिफिकेशन तो मांगा जाएगा, क्वालिफाइड आप प्रोफेशनल तरीके से होना पड़ेगा। आपको इस
कोर्स के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है कि आप इस कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। दूसरी तरफ जो स्किल एनहांसमेंट का कोर्स चल रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो उन बच्चों के लिए जो आगे चल के चाहते हैं कि हम प्रोफेशनली टीचर बने, प्रोफेशनली हम रिसर्च करें, प्रोफेशनली हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें। ट्रैवल एंड टूरिज्म में जो आपको बताया जा रहा कि आपको प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना है इस फील्ड में, जहां ट्रैवल है, जहां टूरिज्म है, जहां बहुत कुछ आपको एवरी डे आपको नए नए तरीके से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा चीजों को, इसके लिए आपको रेलिवेंट डिग्री और डिप्लोमा जरूरी है। हाँ, साथ साथ प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आप में पॉजिटिविज्म होना चाहिए, सही रास्ते में चलने की एटीट्यूड होनी चाहिए। नकारात्मक सोच वाले ट्रैवल एंड टूरिज्म में सक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, आप में क्षमता भी होनी चाहिए कि आप विचारों को हकीकत में बदल सके, क्योंकि इट इज अ क्रिएटिव इंडस्ट्री। पहले भी मैंने बताया, आप इसको फिल्म इंडस्ट्री के साथ तोलेंगे तब आपको समानता समझ में आएगी कि कितने लेवल की इसमें क्रिएटिविटी की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ व्हाई, अपने आप को पहचानने की जरूरत है, पर क्यों? बिकॉज मैन नेचर एंड बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूरिज्म। मनुष्य और पर्यावरण और इसके साथ साथ हमारा बिहेवियर, ये तीनों टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है। पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। Every man is in certain respect likes all other man, like some other man, like no other man. मरे महोदय ने यह सही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करें तो कुछ रेस्पेक्ट में समानता दिखेगी, कुछ रेस्पेक्ट के माध्यम से आपको सभी व्यक्ति समान दिखेंगे, पर कभी कभी आपको दिखेगा कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, और यह सच है। एंड दिस इज पर्सनैलिटी। आप सब लोग हैं, सब लोग कोर्स कर रहे हैं, पर सबकी सोच आप में ये भी हो सकता है कि यह सरल है, घूमने को मिलेगा, पर इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व हर व्यक्ति का, हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए, आप क्या हैं। इट इज सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद ईच अदर। पर्सनालिटी में क्या है कि हम इंडिविजुअल हर तरीके से कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, यह जो है इसी को हम पर्सनालिटी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, वो भी लव का, LOVE। यह ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द में तीन चीजें हैं, AGAPE, एगेपे, दूसरा इरोस और तीसरा फीलिया। लव शब्द से आप जानते हैं लव मतलब क्या होता है, लाइकिंग। लव मतलब क्या होता है, अफेक्शन। ये लव एंड अफेक्शन एक ऐसा शब्द है हर पर लागू होता है। हम भगवान के साथ लव कर सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ का जो लव होता है उसको भी हम लव बोलते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर का जो लव होता है प्यार उसको भी हम लव बोलते हैं, पर तीनों केसेस में लव के साथ, लव की जो पर्सनालिटी है बदली है। भगवान के साथ का लव को हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक प्यार, डिवाइन लव। हस्बैंड वाइफ के प्यार को हम क्या बोलते हैं, रोमांटिक लव। और ब्रदर एंड सिस्टर के प्यार को हम क्या बोलते हैं, इनोसेंट लव। तो इस प्रकार से आप देखिए
लव का जो अर्थ है भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न हो गया है। तो टूरिज्म भी इसी तरीके से भिन्न भिन्न है और भिन्नता व्यक्ति के साथ उसका अर्थ उसका मीनिंग बदलता रहता है। तो इसलिए वन मस्ट अंडरस्टैंड वन सेल्फ। इसमें कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है, इसमें आप सही तरीके से अगर कम्युनिकेशंस नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से सक्सेस नहीं पा सकते। कम्युनिकेशन है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स साइंस एंड बिहेवियर। कम्युनिकेशन इज अ टू वे सिस्टम, दो तरफा होता है, रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड। रिसीविंग क्या करती है? सुनती है टू अदर्स मैसेजेस। सेंडिंग क्या करती है? एसर्टिंग एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस देती है। जैसे मैं आपको सेंड कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ मैसेज, मैसेज का प्रभाव क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज 57% प्रभाव डालता है, टोन जो है वो 36% प्रभाव डालता है और शब्द जो है 7%। यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का वर्चस्व अधिक होता है। वॉइस कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो वॉइस कम्युनिकेशन में केवल वॉइस सुनने को मिल रहा है, तो टोन आपका कैसा है? आपका जो टोन है वो 86% प्रभावशाली होता है और शब्द जो है वो 14% प्रभावशाली होता है। तो दोनों में आप अंतर देखिए। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ मेजर रोल। वॉइस कम्युनिकेशन में आपका जो टोन है, टेक्सचर है और वॉइस, दैट प्लेज अ मेजर रोल। दोनों में अंतर है पर दोनों इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। ये एक चक्र आपको बना के दिखाया गया है कम्युनिकेशन का, कि सेंडर मैसेज भेजता है किसी चैनल के माध्यम से और रेसिपिएंट उसको लेता है, फिर सेंडर के पास आता है, फिर मैसेज जाता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। अब हम थोड़ी सी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के बारे में चर्चा करते हैं। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर से टूरिज्म इंडस्ट्री रिक्वायर्स बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। पर्यटक जो आए हैं उनके बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपको समझाना चाहते हैं, तो धैर्यपूर्वक तरीके से आपको सुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अगर कह रहे हैं तो आप स्किलफुली अपनी बातों को रखें, जिस तरीके से आप प्रोफेशनली उनको कन्विंस कर पाए और आप अपना मकसद पूरा कर पाए। लिसनिंग का मतलब क्या है? लिसनिंग मीन्स कंसंट्रेशन एंड एनर्जी। लिसनिंग मीन्स क्यूरियोसिटी एंड ओपन माइंडेडनेस। लिसनिंग मीन्स एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर से देखिए, सुनना का मतलब क्या है? कि आप कंसंट्रेट होके ऊर्जावान बनके ध्यान पूर्वक सुनिए। आप में जागरूकता होनी चाहिए, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और आपका मन भी ओपन होना चाहिए, ओपन माइंडेड तरीके से आप सुनिए कि आपको ये फील हो कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ समझना है, मुझे कुछ सुन के प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान को अर्जित करना है। तो इसमें ओपन माइंडनेस होना बहुत जरूरी है। तीसरी बड़ी बात जो है लिसनिंग में वो क्या है? एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, विश्लेषण और समझ, दोनों की जरूरी है। सुन के आप विश्लेषण करिए, चीजों को विश्लेषण करिए, ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ उसका विश्लेषण करिए और उसको दिल से समझिए। लिसनिंग रिक्वायर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब स्पीकिंग वो क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? शार्प फोकस, लॉजिकल थिंकिंग, क्लियर फ्रेजिंग एंड क्रिस्प डिलीवरी। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो
तो बिल्कुल फोकस्ड होके बोलिए, केंद्र में आपके शब्द होने चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, और जो भी आप बोलिए उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल सोच होनी चाहिए, शब्द का सही तरीके से आप चयन करके बोलिए, क्लियर फ्रेजिंग। और आप जो भी लेक्चर दे रहे हैं या जो भी आप बोलना चाहते हैं वो कम शब्दों में आप अगर क्रिस्प तरीके से डिलीवर करते हैं वो ज्यादा सही होता है। बहुत ज्यादा या बहुत लंबे चौड़े तरीके से आप समझाने का प्रयास करेंगे तो लोग में धैर्य टूटने लगता है। तो स्पीकिंग शुड बी क्रिस्प, क्लियर, लॉजिकल एंड शार्पली फोकस्ड व्हाट यू वांट टू से। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में टूरिज्म इंडस्ट्री फॉलोज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन फ्लो। अप से डाउन वर्ड है, अप से इंफॉर्मेशन, अपवर्ड से इंफॉर्मेशन जो है नीचे की तरफ फ्लो होती है, कभी कभी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस जो है डाउनवर्ड्स को दिया जाता है, और तीसरा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अप से ऊपर से अधिकारियों से जो आपको मिलती है उसको हम सूचनाएं बोलते हैं, जब हम नीचे से कुछ वो होता तो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, डायरेक्शंस दी जाती है कि आप ऐसे करिएगा ऐसे नहीं करिएगा, और हॉरिजॉन्टल में क्या है, कोऑर्डिनेशन, लेके चलना, सबको लेके चलना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की आवश्यकताएं क्या है, गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट ओवरकम assumptions। मान लीजिए ऐसा होगा, मान लीजिए अगर आंधी आ गई, मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो गया, तो ये assumptions या धारणाएं नहीं लेके चलना है। वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स जो है उसको भी हटा के चलना है। जेनरेशन गैप है, यहां आज के युग में 20वीं सदी खत्म हो गई है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो जेनरेशन गैप है। जेनरेशन गैप को ओवरकम करके इस जेनरेशन का जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से हमें चीजों को समझाना है, सुनाना है, बताना है, तो इसको भी ओवरकम करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा आप एक साथ बताएंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मिस्ट्रस्ट नहीं होनी चाहिए, क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए, तो ये सब चीजों को आप ओवरकम करेंगे तभी आप कुछ भी कम्युनिकेट करेंगे वो अच्छा माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे और आप एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में इस इंडस्ट्री में खड़े रहेंगे। दस फॉर सक्सेस इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म वन मस्ट हैव फॉलोइंग ट्रेट्स। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इसके को सही मायने में कैरियर बनाना है, तो आपको कुछ चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं, इस पे ध्यान पूर्वक सुनिए और कोशिश करिए कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाए। जैसे गुड टर्नआउट एंड बियरिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल, साउंड नॉलेज, सेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल, एबल टू टेक क्विक डिसीशंस, टेक्नोलॉजिकली साउंड और रेस्पेक्टफुल। ये सच ही कहा गया है, अतिथि देवो भव। तो इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ क्वालिटीज है जो आप में होनी चाहिए। पहला आपका मैंने बताया गुड टर्न आउट एंड बियरिंग। टर्न आउट मतलब सही तरीके से पोशाक पहने, समय के हिसाब से पोशाक पहनिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट पैंट एंड चप्पल और जूता, वट एवर यू आर बियरिंग, प्रॉपर तरीके से सही ओकेशन में होना चाहिए। और बियरिंग मतलब क्या होता है, कुछ लोग आप देखते हैं कि चलते हैं तो गर्दन टेढ़ी करके चलते हैं, कुछ ऐसा है कि पैर फेंक रहे हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा पैर फेंक रहे हैं, ये अनजाने में करते हैं,
कुछ लोग देखते हैं कि थोड़ा सा झुक के चलते हैं, कुछ लोग आप देखते हैं कि कुछ उछल उछल के चलते हैं, क्योंकि ये एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है, ग्लैमरस वर्ल्ड है। तो आप अच्छे पर्सनालिटी वाले लोग अगर सामने प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट करके आप बातचीत करते हैं, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप में नॉलेज होना चाहिए, अगर नॉलेज है तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस है तो आप बोल्डली चीजों को रखेंगे, आप में एक नया ऊर्जा आप महसूस करेंगे। सेंसिबल होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना, आप जिनके बीच में बात कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करिए और उस हिसाब से अपने साउंड नॉलेज के जरिए चीजों को सेंसिबल तरीके से समझाने का प्रयास करिए। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक डिसीजंस लेना आप में आनी चाहिए, क्विक डिसीजन की क्षमता होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी करने के लिए आपको तुरंत अपने डिसीजंस बदलना पड़ सकता है, पर उसमें आप अपना विवेक न खोइए, आप अपने ऑफिस के रूल्स को लेते हुए सही तरीके से करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तकनीकी तरीके से आपको साउंड होना पड़ेगा, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में सॉफ्ट स्किल्स के बिना हम टेक्निकली चल ही नहीं सकते। नहीं आता है, प्रयास करिए, सीखिए, अगर हम सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं 20वीं सदी का हूं। और आपको रेस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, हर वर्ग के लोगों के साथ आपको बात करना है, हर वर्ग के लोगों के बीच में आपको घुलना है, मिलना है, मिलनसार बनना है, मुस्कुराना है, समझाना है, चाहे वो बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंगस्टर्स हो, कोई भी हो, क्योंकि हमेशा याद आपको ये रखना है कि अतिथि देवो भव। अब हम थोड़ा सा टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, अबाउट टूरिज्म एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। एसेंशियली टूरिज्म है क्या? एसेंशियली अबाउट पीपल एंड प्लेसेस, लोग और जगह के बारे में ही टूरिज्म में हम चर्चा करते हैं। ट्रैवल फॉर लेजर, ट्रैवल फॉर रिक्रिएशन, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो टूरिज्म के एलिमेंट्स क्या हैं? तीन हैं, मैन, स्पेस और टाइम। ट्रैवल एंड टूरिज्म इज अ इंडस्ट्री ऑफ मूविंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म इज अ इंडस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म इज द इंडस्ट्री ऑफ फीडिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म इज द इंडस्ट्री ऑफ एंटरटेनिंग पीपल। देखिए, मूवमेंट होता है इस इंडस्ट्री में, लोग रहते हैं होटल्स में इसलिए हाउसिंग, लोग खाते हैं एंजॉय करते हैं, खाना पीना एंजॉय करते हैं, स्पेशल आइटम्स, एथेनिक फूड, नेचुरल तरीके से और एंटरटेनमेंट, ये सब टूरिस्ट और ट्रैवल इंडस्ट्री का ये आधार है। इस इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ईयर राउंड इकोनॉमिक ड्राइवर, अकाउंट्स फॉर 10.2% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड 7.8% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स। दिस इंडस्ट्री एम्प्लॉयज अराउंड 200 मिलियन पीपल, स्पेंडिंग ऑन टूरिज्म इन बिलियंस, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी हाई। इस इंडस्ट्री की जो आर्थिक रूपरेखा है वो आपके सामने हमने रखा, और यहाँ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बहुत है, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट टैक्स जनरेशन का माध्यम है, इसलिए गवर्नमेंट भी इसको एनकरेज करती है, कर रही है। एक्टिविटीज इन टूरिज्म इंडस्ट्रीज क्या है? कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी होती है, एकोमोडेशन की एक्टिविटी होती है, केटरिंग की एक्टिविटी होती है, रिएक्शन की, रिक्रिएशन की होती है, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज की होती है। तो इन सारे सेक्टर्स जो आप हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, केटरिंग, रिक्रिएशन, ट्रैवल रिलेटेड सर्विस, हर जगह नौकरी है,
हर जगह आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। अब आपका इंटरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में है तो आप ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड आप कोर्सेस करेंगे, आप अपना स्पेशलाइजेशन करेंगे, एकोमोडेशन यानी होटल मैनेजमेंट, केटरिंग यानी फूडिंग, गुड शेफ करके बन के आप हेल्प वो कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एस्पेक्ट में आप अपने को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज में आप अपने को कर सकते हैं, लोगों को आप आइटनरी प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसीज में आप मदद कर सकते हैं लोगों को एंड सो ऑन। तो इतने जो है आपके 5-6 एक्टिविटीज है टूरिस्ट इंडस्ट्रीज का, इसमें कहीं भी आप अपने को जहां जो आपको इंटरेस्ट लगे उसमें आप अपने को सही रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रेंड फैक्टर्स आज के दिन में क्या है? ओपनिंग ऑफ बॉर्डर्स डिस्पाइट सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड वेकेशंस, चीपर एंड मोर एक्सक्लूसिव फ्लाइट्स, an increase in the number of people with time and money to travel, more people with the urge to travel. घूमने के पर्पस से सरकार ने मदद की और जो बाउंड्रीज थी, रोका टाकी थी, उसको खोला गया, सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई, लोग अर्न कर रहे हैं और छुट्टियों में घूमना चाहते हैं और पैसा स्पेंड करना खुशी खुशी से चाह रहे हैं, वो बढ़ गया है क्योंकि आवागमन के साधन बढ़े हैं तो सस्ते हुए हैं, चाहे वो रेल बोलिए चाहे वो फ्लाइट्स बोलिए। अब ये कॉमन पीपल के पर्सपेक्टिव में आ गया है, पहले फ्लाइट्स जो है वो एलिट क्लास के लोग ही फ्लाइट्स में आया जाया करते थे, आज के दिन में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सब फ्लाइट्स में जा सकते हैं, लोग की संख्या बढ़ी है, घूमना लोग चाहते हैं, लोग समय देना चाहते हैं, ट्रैवल में मनी स्पेंड करना चाहते हैं और इसी वजह से ये जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इंडस्ट्री हमेशा बढ़ती रहेगी, इंडस्ट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी, कहीं भी आपको इस इंडस्ट्री में ठहराव नहीं मिलेगा। तो इसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स, ये 7 मंत्रों के बारे में बोलते हैं टूरिज्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आपको याद रखना है। पहला क्या है? स्वागत, दैट मीन्स वेलकम। आप कुछ भी करिए आपका वेलकम है, आप इस कोर्स में हमारे साथ एनरोल होते हैं आपका हम वेलकम करते हैं। दूसरा मंत्र क्या है? सूचना, इंफॉर्मेशन, हमारी ड्यूटी बनती है कि आपको हम सही इंफॉर्मेशन दें और समझाएं कैरियर ऑप्शंस। नेक्स्ट आपका क्या है? सुविधा, फैसिलिटेशन दें, फैसिलिटेट करें आपको। फिर सुरक्षा, ऑफ कोर्स सुरक्षा बहुत जरूरी है टूरिज्म में, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं या डोमेस्टिक टूरिस्ट जाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का होता है। कोऑपरेशन, सहयोग, हर स्तर में सहयोग की आवश्यकता होती है, रीजनल लेवल पे, जितने टूरिज्म में कोई फिक्स्ड इंडस्ट्री नहीं है, टूरिज्म में जो है बहुत सारे उद्योग, बहुत सारे इंडस्ट्रीज मिलके काम करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन का है, एकोमोडेशन का है, केटरिंग का है, और भी बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज, ये सब कोऑपरेटेड वे में एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं, तभी ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है और करेगी। संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल में डेवलपमेंट में क्या आता है? रोड का डेवलपमेंट होना, होटल्स का बनना, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो नीड है उसका विकास होना जरूरी है टूरिज्म को अगर आपको बढ़ाना है तो। और नेक्स्ट आपका क्या है? सफाई, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 मंत्रास आपको याद रखना है, स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, संरचना और सफाई। इसी के साथ टूरिज्म इंडस्ट्री की ये रिक्वायरमेंट्स है और ये रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना है। एज अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री We must do all we can do to ensure that India continues to live as an inspiring
इनविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल नेशन। तो इसी के साथ आज का ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें आपको बहुत सारी सूचनाएं मैंने दी, समझाने का प्रयास किया कि आप आइए, आपका वेलकम है, और कहीं भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, समझने की जरूरत पड़े, तो आप हमसे मिल सकते हैं, समझ सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त। लिंक में आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू एंड वेलकम वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स।